Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMMS colleges cutoff and other colleges cutoff who are accepting the NMAT scorecard. So let's start. सबसे पहले अगर हम बात करें NMMS मुंबई की, बिकॉज मेजरली जो स्टूडेंट्स NMAT एग्जाम देते हैं वो NMMS मुंबई जो एकदम बढ़िया टॉप कॉलेज में आता है उसके लिए होता है, ठीक है। सो नाउ NMMS मुंबई की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, मैं पहले उसकी बात करूंगा डिटेल के अंदर। इट वॉज 209, टोटल मार्क्स चाहिए थे 209। अगर हम वर्बल का स्कोर देखें, सो वर्बल सेक्शन थी 57, देन अगर हम LR सेक्शन देखें तो LR की थी 60, एंड क्वांट सेक्शन देखें देन इट वॉज 65, और टोटल आपको चाहिए थे 209। ये टोटल इनका अगर आप करोगे तो वो 209 नहीं बनेगा, सेक्शन का अलग होता है, टोटल अलग होता है, ठीक है। नाउ दिस ईयर My guesses जो टोटल रहेगा वो रहेगा 208, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई स्कोर मैंने कहीं देखा नहीं अभी तक कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोर आया एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉर्डर लाइन पे रहे हैं, तो शायद 208 हो सकता है। वर्बल भी आई गेस 55 हो सकता है इस बार, ठीक है। दो मार्क्स का डिप आ सकता है इसके अंदर, पिछले साल क्योंकि 60 था, फिर 60 से 57 हुआ, इससे पहले 60 था। अगर मैं एक साल और पीछे जाता हूँ तो इट वॉज 60 और टोटल था 2010, मतलब दैट्स हाउ, बट उतना ज़्यादा पीछे की जरूरत नहीं है। अगर हम वर्बल को देखें तो पहले, उससे पहले ये वर्बल 55 ही हुआ करता था, ठीक है, फिर ये 60 हुआ था, फिर 57 एंड नाउ 55, ओके। बिकॉज NMAT को तो हम बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ मैं, इसलिए बता पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी LR और क्वांट सेम ही रहने वाला है। मेजरली जो चेंज आ सकता है वो वर्बल की कट ऑफ में और टोटल ओवर कट ऑफ में इतना चेंज आ सकता है। अगर मैं बात करूँ NMMS बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु कैंपस ये भी काफ़ी अच्छा कैंपस है, ऐसे एक हैदराबाद भी होता है। उन दोनों की कट ऑफ जो रहती है, मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद की और आपके बेंगलुरु की, ठीक है, ये दोनों की सेम होती है लगभग, ठीक है। लास्ट ईयर की थी 190, वर्बल थी 55, LR आपका था 50 एंड योर क्वांट सेक्शन वॉज 60, ठीक है। ये सेक्शन का टोटल करोगे तो 190 से कम ही होगा फॉर श्योर, बट हर चीज़ की सेक्शन कट ऑफ अलग होती है और उसकी टोटल अलग होती है, सेम फॉर दी बैंगलोर एंड हैदराबाद। अब लाइक फॉर जो अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग मे बी ये शायद 195 हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, सबसे पहले ये कट ऑफ 190 नहीं थी, ये पहले कट ऑफ गई थी 200, ठीक है। सेक्शन कट ऑफ यही थी पर टोटल 200 हो गया था, पर स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया कॉलेज का, मतलब उनको स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे थे इसके लिए, अपने कॉलेज को फिल करने के लिए, सो इसलिए कट ऑफ फिर 200 से गिर के सीधा 190 पे आई थी। तो मे बी दिस ईयर देर इज़ अ चांस कि ये 190 से 195 हो जाए, ठीक है। सेक्शनल सेम रहेगा, देर इज़ नो चेंज इन सेक्शनल फ्रॉम माई साइड, बाकी 190 से 195 हो सकता है फॉर बोथ द कैंपस हैदराबाद एंड दी बेंगलुरु, ठीक है। मैं इस वीडियो में सारे टॉप के कॉलेजेस ले रहा हूँ जो NMAT के थ्रू मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज जेवियर यूनिवर्सिटी, दैट इज भुवनेश्वर, जिसमें HR का कोर्स मेजरली स्टूडेंट्स चाहते हैं। तो HR के लिए द कट ऑफ इज ऑलवेज 200 प्लस, क्योंकि इसमें परसेंटेज बेस पे होता है, ठीक है। तो परसेंटेज आपकी समवेयर अराउंड 90 या 70 ऐसे रहती है, ठीक है, वो हर साल आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि इसका सिंपल सा है कि अगर आपका 200 प्लस आया है, ठीक है, देन इट्स गुड। और वर्बल के अंदर आपके 90 से लाइक 80% के ऊपर आई है, देन इट्स गुड, ठीक है। तो परसेंटेज अभी तो किसी के पास आई नहीं है, तो जैसे ही आएगी देन यू कैन लाइक आई विल मेक अ वीडियो कि क्या रहने वाला है, बिकॉज अभी बता के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो परसेंटेज जब आएगी आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट एज वेल कि भुवनेश्वर के लिए क्या रहने वाली है। बट अगर आपका 200 प्लस है देन यू कैन बी श्योर कि हाँ आपको ZVS की कॉल आ जाएगी, HR वाला मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी उनका NMAT के थ्रू और भी छोटे मोटे कोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि रूरल वाला हो गया, वो बेकार है, बेस्ट इज़ HR जो NMAT के थ्रू मिल जाता है, बाकी फिर आपको ZAT के थ्रू ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी SDA बॉकनी ये भी एक अच्छा कॉलेज है, मेरे स्टूडेंट यहाँ पर ही पढ़ते हैं, इसके लिए आपका स्कोर चाहिए 180, फीस आपके सामने। इसके अंदर आपको फीस जैसे मेजरली कभी कभी बोलते हैं 25, बट हर किसी को डिस्काउंट मिलके 20 के अराउंड तक आ जाती है, किसी को 16 भरनी पड़ती है, किसी को 18 भरनी पड़ती है, ठीक है। सो आई एम कंसीडरिंग द फीस इज 20, ऑलराइट। बाकी NMMS CDPI जो है हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिन्होंने अभी तक NMMS जिनके रिजल्ट आ चुके हैं विंडो 5 में 210 या 210 प्लस, आई डेफिनेटली रिकमेंड वो तो स्टार्ट कर ही दें, ठीक है। NMMS CDPI की तैयारी अभी से, जिसके अंदर आपको फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस, पूरी 3 क्लास लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप विद NMMS एलुमनाइज, 2 लाइव इंटरव्यूज, 220+ वीडियोज मिलेंगी, ठीक है, डिटेल के अंदर। एंड यू कैन सी अवर लास्ट ईयर एक्सपीरियंसेस, लाइक लर्न फॉर एग्जाम के स्टूडेंट्स जो थे 209 पे भी कन्वर्ट था, 210 पे भी, 211 पे भी, 213 पे भी, L4E के स्टूडेंट थे सारे के सारे, ये आपके सामने उनके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर्ड है, आप पढ़ सकते हैं आराम से इफ़ यू वांट टू रीड देम, ठीक है। लास्ट ईयर कही है एंड दिस ईयर वी विल डू द सेम थिंग। अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हो, अगर आपके पास कॉल है, आई विल गिव माई 100%
सो दैट कि आपका वो कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. एनमैट में नाम चलता है, लाइक वी आर लाइक द एनमैट किंग्स. ओके, एनमैट एंड स्नैप किंग्स. ओके, सो डेफिनेटली अगर आपका स्कोर आ गया 210 प्लस, हाईली रिकमेंड कि आप ये स्कोर कोर्स को ज्वाइन करिए. बाकी एमबीए 2020 हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है. अगर आप 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एनमैट कैट कोई भी, देन यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल. हियर इज द एनएमएससीडीपी, आप वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं www.learnforexam.com, वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगा. एंड वी प्रोवाइड द टेस्ट सीरीज एंड फ्री टेस्ट ऑन अवर वेबसाइट एज वेल. ओके, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. सो दीज आर फीचर्स ऑफ L4U. प्रोवाइड लाइव क्लासेस, एक्सक्लूसिव क्लास रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बेस्ट ट्रेनर्स, टाइम सेविंग, टू इंटरेक्शन विद द साई लाइव क्लासेस. एंड यू कैन चेक द ओवरऑल रिजल्ट्स एज वेल, 2017, 2018, लेट्स सी 2019 में क्या आने वाला है. एंड ये 2019 के कुछ एनमेट के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. रिव्यूज बाय आवर स्टूडेंट्स फॉर आवर लाइव क्लासेस. एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट. ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड ओवर हेयर एज वेल. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. बेस्ट ऑफ लक जिनको भी निकल गया, 210 आ गए, 209 आ गए, थोड़ा सा वेट करो, थोड़े दिन की बात है, आपको कट ऑफ के साथ सब कुछ पता लग जाएगा. एक कॉल आएगी जिसके अंदर सब कुछ डिटेल होएगी, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. मैंने अपना अपनी तरफ से बता दिया कि 208 रह सकती है इस बार की कट ऑफ. 100% श्योर नहीं हूँ, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 208 शायद रहेगी, ठीक है? बट 210 जिसके हैं फॉर श्योर उसको तो कॉल आई जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है? जिसके 210 है, 208, 209 वाले, जस्ट लाइक आई कैन से क्रॉस योर फिंगर्स. ओके, दैट्स इट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. हैव अ लवली ऑसम डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर.